नमस्कार, आप सभी का श्री किसान केसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन। आइए विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टम विषय हिंदी प्रकरण है वह पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हाल ही में हमारा पाठ्यक्रम परिवर्तित हो चुका है, तो हमारी जो पुस्तक आई है उस पुस्तक का नाम है बसंत भाग तीन। कौन सी पुस्तक है विद्यार्थियों? बसंत भाग तीन। उस बसंत भाग तीन पुस्तक का जो पहला पाठ है, हम आज उस पहले पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पहले पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं। देखिए, पहले पाठ के अंदर है वह हमको कविता पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कविता। लेकिन उस कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है विद्यार्थियों ध्वनि। क्या नाम है? ध्वनि। इसे कविता की रचना करने वाले रचनाकार का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने इस ध्वनि कविता की क्या की है, रचना की है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जन्म है विद्यार्थियों, यह विद्यार्थियों जन्म 1896 में बंगाल के अंदर एक महिषादल स्थान है, और उस महिषादल के अंदर है वह मेदिनीपुर जिले के अंदर है वह इनका जन्म होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इनकी कविताओं में है वह जोश मिलता है, उत्साह मिलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी पर है स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का है वह आशीर्वाद रहा। इन्होंने अनेक अपनी जो रचनाएं लिखी है, जिसमें अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यह तो एक बेसिक बात हुई विद्यार्थियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में। अब देखिए यहां रचना का नाम क्या है? ध्वनि है। पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि इस पूरे पाठ में उसने है वह सबसे पहले जो चित्रण किया है विद्यार्थियों, वह किसका किया है? प्रकृति का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? प्रकृति का चित्रण। और उस प्रकृति चित्रण के माध्यम से जिस प्रकार से प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि ने बताया है कि प्रकृति के अंदर जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, उस समय प्रकृति चारों ओर से उत्साह प्रफुल्लित हो जाती है, उसी प्रकार से एक मनुष्य कवि ने यहां पर है वह प्रकृति के मदद से मानव मन की जो भावनाएं हैं, उस मानव मन की भावनाओं को यहां पर प्रदर्शित करने का कार्य किया। वो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होता है और है वह पेड़ पौधे पत्तियां सब है वह खिल जाती है, उसी प्रकार से एक मनुष्य जिसके अंदर है वह उत्साह की कमी है, जोश की कमी है, और जो व्यक्ति क्या हो चुका है, निराश हो चुका है, कवि कहता है कि मैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर है वह एक नवीन है वह अमृत का संचार करने वाला हूं। तो कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए और प्रकृति के माध्यम से है वह निराश मन के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के अंदर है वह एक नया उत्साह जोश भरने का कार्य है वह किया। कवि कहता है कि मेरा सपना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज का जो ऐसा वर्ग जो निराश हो चुका है, देखिए कवि की यहाँ जो दृष्टि है ना, कवि है वह कैसे दृष्टि वाले हैं? आशावादी दृष्टिकोण वाले हैं। कैसे? आशावादी दृष्टिकोण वाले। हाँ, इनका दृष्टिकोण है वह आशावादी दृष्टिकोण है कि नर हो न निराश करो मन को, कि हे मनुष्य तुम है वो दुखी क्यों रहे हो ना। तो यहाँ पर है वह कवि ने प्रकृति का चित्रण करते करते मनुष्य के बारे में है वह बताया है कि हे मनुष्य तुम्हें किसी प्रकार से है वह अभी आपके जीवन को अंत नहीं हुआ है, अभी आप है वह निराश मत होइए। आइए पुनः नए भाग को पुनः पढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा इस कविता को क्या कहा है। कवि कहता है अभी न होगा मेरा अंत, अरे अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में
मृदुल वसन। विद्यार्थियों यहाँ पर मृदुल शब्द का अर्थ जो होता है वह होता है कोमल, मृदुल यानी क्या होगा कोमल। वसन विद्यार्थियों हम सब लोग जानते हैं ऋतुओं का जो राजा कहा जाता है, ऋतुओं का राजा, ऋतुओं का राजा किसे कहते हैं, वसंत ऋतु कहते हैं। और जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति के अंदर है वह चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, वह नए पुष्प खिलने लगते हैं और प्रकृति का जो वातावरण होता है वह अपने आप में है वह बहुत ही सुंदर लगता है। अब यहाँ कहा कि मेरे वन में, या वन का मतलब क्या है विद्यार्थियों, मेरे जीवन रूपी वन में, है ना, मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी तो है वह मृदुल वसंत आया है ना, अभी इसका अंत होने वाला नहीं है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहां पर है वह, देखिए दो चीजें हैं, एक निराश व्यक्ति है उस व्यक्ति को कहा है कि यह वह आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। कवि कहता है कि अभी जोश और उत्साह उमंग की अवस्था में मैंने हाल ही में क्या किया है, प्रवेश किया है और यह उत्साह जोश है वह मेरा अभी समय से पहले है वह समाप्त नहीं होगा। कवि कहता है प्रकृति चित्रण का उदाहरण देते हुए, क्या कहा कि जैसे ही ऋतुओं का राजा बसंत यानी बसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय चारों तरफ पेड़ पौधे जो है उन पेड़ पौधे के अंदर है वह हरियाली आ जाती है, नए नए पत्ते निकलते हैं, कलियां है वह खिलने लगती है। लेकिन अभी युवा अवस्था के अंदर है वह जिसके अंदर जोश और उत्साह का भी संचार हुआ व्यक्ति है वो निराश हो चुका है। कवि ने यहां कहा है कि हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, गात यानी विद्यार्थियों शब्द होता है गात का होता है शरीर, क्या होता है शरीर, और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब देखिए प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या होता है, यहां प्रत्युष, प्रत्युष शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थियों सवेरा, क्या होता है शरीर सवेरा, मनोहर, मनोहर का अर्थ होगा सुंदर। अब यहां पर एक शब्द आया है निंद्रित कलियां, क्या होती है यह निंद्रित कलियां, यहां पर कवि ने उन लोगों को कहा है जो लोग हैं वह निराश हो गए हैं। कवि ने कहा कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कवि का एक सपना है, क्या सपना है, कवि कहता है कि निराश व्यक्तियों को जब तक मैं उनके लक्ष्य तक न पहुंचा दूं, जब तक मैं उनको है वह उनका द्वार न दिखा दूं, तब तक है ना मैं अपने जीवन को क्या नहीं मान सकता, सफल नहीं मान सकता। तो कहा कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कर यानी क्या, यहां पर यहां कर का मतलब होता है हाथ, मृदुल का मतलब क्या होगा बताइए कोमल। कवि कहता है कि मैं भी अब ये चार जो देखो प्रकृति के अंदर है वह वसंत ऋतु आई है और वसंत ऋतु में आपको पता है पेड़ पौधे सारे हैं वह प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, लेकिन रात्रि के अंदर वह सारे पुष्प है वह क्या हो जाते हैं निद्रा अवस्था में आ जाते हैं, है ना, वह मुरझा जाते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर, कि एक है वह जिस प्रकार से सूर्य है ना, जिस प्रकार से सूर्य सुबह अपनी किरण है वह फेंकता है उसी प्रकार से प्रकृति के अंदर है आप देखिए फूलों में नवीन जीवन आ जाता है। तो कवि कहता है कि मैं उन हरे पत्ते जो अभी निंद्रित अवस्था में है उन निंद्रित अवस्थाओं को एक सूर्य ला करके है ना उनके अंदर एक जोश उत्साह का संचार करके उन निराश व्यक्तियों को है वह मैं और निराश व्यक्तियों के जीवन में मैं है वह अमृत का संचार करने का कार्य करूंगा। हरे हरे ये पात डालियां कनिया कोमल गात और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। यहां पर प्रत्युष शब्द का क्या बताया देखिए सवेरा, मनोहर यानी सुंदर, मन को हरगर करने वाला।
कवि क्या कहता है देखिए। कवि कहता है पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लालसा, लालसा का मतलब होता है लालच, है ना, तंद्रालस निंद्रा और तंद्रा, है ना। क्या कि पुष्प पुष्प जो आलस्य है, या पुष्प पुष्प का मतलब है प्रत्येक वह व्यक्ति जो निराश है ना, और जिनके अंदर है वह आलस्य भरा हुआ है, उस आलस्य के लालच को मैं क्या कर दूंगा, खींच लूंगा, अर्थात उनके अंदर है वह नवीन नूतन शक्ति का संचार करूंगा, जोश और उत्साह का संचार करूंगा, अपने नव जीवन का अमृत। कवि कहता है कि अपने जो नया जीवन जो है उस अमृत का, अमृत यानी सुधा, है ना, ये सुधा और अमृत का सहर्ष, सहर्ष का मतलब होगा बताइए प्रसन्नता से, क्या होगा, प्रसन्नता से सींच दूंगा, सींच दूंगा यानी उसके अंदर है वह मैं भर दूंगा, किसके अंदर भर दूंगा बताइए, नव जीवन का, उसको मैं जागृत करूंगा कि तेरा जीवन ऐसे समाप्त होने वाला नहीं है। कवि कहता है कि जीवन है वह कैसा है, देखिए यहां पर मैंने पहले बताया है कि जीवन है वह आशावादी दृष्टिकोण वाला है, वैसे कवि भी है वह आशावादी दृष्टिकोण वाले थे, है ना। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है छायावाद नाम की एक चीज आती है, छायावाद में आशावाद दृष्टिकोण, छायावाद में चार प्रमुख स्तंभ होते हैं, उन स्तंभों में एक स्तंभ है वह कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की है। अच्छा क्या कहा, पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लालसा खींच लूंगा मैं, कि मैं प्रत्येक पुष्प के अंदर जो आलस्य भरा हुआ है उस आलस्य के लालच को खींच करके, अर्थात उसके अंदर है नए जीवन का अमृत रूपी है वह संचार करके मैं उसे है वह क्या बना दूंगा, जीवन के प्रति है वह जागृत बना दूंगा। कवि क्या कह रहा है, क्या द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, उनको किनको, वे लोग जो आज है वह क्या है, निराश है, है ना, जो लोग आज क्या है, निराश है, उन निराश लोगों को मैं क्या दिखा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा, कौन सा द्वार दिखा दूंगा, कि भैया आपका जीवन यह समाप्त नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, कर्म करते रहो, है ना, कर्म करोगे तो है वो फल भी आपको प्राप्त होगा। है मेरे लिए जहां अनंत, अनंत का मतलब जिसका क्या ना हो, अंत ना हो, ठीक है ना, जिसका अंत न हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत। वाक्यांश के लिए एक शब्द है यह, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि ने इस संपूर्ण कविता के माध्यम से क्या स्पष्ट किया है, यह बात आपको ध्यान में आ गई होगी, है ना। प्रकृति का सुंदर और अद्भुत वर्णन है वह कवि ने यहां पर किया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव मन के अंदर जो भावनाएं हैं उनको है वह यहां पर प्रदर्शित किया है। पंक्तियों में हारे हुए और निराश लोगों के अंदर है वह जो निराश लोग थे, है ना, यहां निंद्रित कन्या, मैंने कहा कि जो निराश लोग हैं जीवन के अंदर जिन्होंने है उत्साह का संचार जिनके अंदर क्या हो गया, कम हो गया है, उन निंद्रित अवस्था की कलियों को है वह एक सूर्य ला करके, एक प्रेरणा देकर के निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहना, यही उनका एक क्या था विद्यार्थियों, सपना था। और अपने यह पाठ अभी पढ़ा कौन सा बताइए, ध्वनि, कौन सा पाठ पढ़ा, ध्वनि। प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति के चित्रण से ही है वो मनुष्य जो निराश है उस निराश मन के मनुष्य के अंदर भी है वह उत्साह जोश का है वह संचार करने का कार्य है वह कवि ने किया है। तो यह था हमारा पहला पाठ विद्यार्थियों, ध्वनि।